स्टूडेंट, मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ आपके लिए। तो स्टूडेंट, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे और डिफरेंशिएशन में लास्ट हम 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक पीछे तक लेक्चर नहीं देखे, ठीक है, तो पहले पीछे के लेक्चर देखें, इसके बाद ये लेक्चर देखना, ठीक है, तभी आपको कंटिन्यू समझ में आएगा डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे उत्तरोत्तर अवकलन, ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो मान लेते हैं, ठीक है, माना वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, कोई फलन दे रखा है, तो इसको देखो डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा स्टूडेंट देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ डैश एक्स, स्टूडेंट ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो स्टूडेंट देखो ये लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एफ डैश एफ डबल डैश एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और इसको देखो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, ये सिंबल लिखा जाता है, ये लिखेंगे हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो ये स्टूडेंट आ गया, ठीक है। और तो ये स्टूडेंट देखो प्रथम अवकलन है, ठीक है, मतलब एक बार अवकलन करने पर ये आएगा, और जब दो बार अवकलन करेंगे, ठीक है, तो उसको ऐसे लिखना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। अब स्टूडेंट देखो फिर से अगेन कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा देखो स्टूडेंट डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा हमारे पास डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो स्टूडेंट देखो इसका जो सिंबल है, ठीक है, उसको सिंबल को हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू लिखेंगे। इसी प्रकार हम लिखेंगे डी पावर फोर वाई अपॉन नीचे डी एक्स पावर फोर, ये सही से लिख देते स्टूडेंट, ठीक है, तो वाई, ठीक है, इक्वल टू एफ यहाँ पे फोर आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट ऐसे। तो इसी प्रकार स्टूडेंट देखो जब एन टाइम करेंगे तो डी एन वाई अपॉन में नीचे आ जाएगा डी एक्स की पावर एन इक्वल टू आ जाएगा एफ एन एन एक्स, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। और स्टूडेंट देखो बता देते हैं, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कुछ जगह वाई वन भी लिखेंगे और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे वाई टू लिखेंगे, ठीक है। और डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू को लिखेंगे हम लोग वाई थ्री, ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद डी फोर वाई अपॉन नीचे डी एक्स की पावर फोर इसको लिखते हैं हम लोग वाई फोर लिखते, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार डी एन वाई अपॉन में नीचे डी एक्स पावर एन इसको लिखेंगे वाई एन लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखो स्टार्टिंग से फिर से देखते हो, तो हम लोग आज पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो वाई इक्वल टू एफ एक्स था, इसको एक बार अपलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। जब इसको हम दोबारा करेंगे तो उसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर लिख देंगे एफ डबल डैश, एक डैश था एक और डैश लगा देंगे एफ डबल डैश एक्स। दो डैश का मतलब है इसको दो बार अपलन करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो फिर से इसका अगेन करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, देखो फिर से करें तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, तो इसका एक और डैश लगा देंगे कितने आएंगे ट्रिपल डैश एक्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखो फिर हम आगे लिखेंगे, ठीक है, डी पावर फोर वाई अपॉन नीचे डी एक्स पावर फोर, ठीक, इधर फोर्थ आ जाएंगे, ठीक है, एक्स हो जाएंगी। इसी प्रकार जब इसको एन टाइम करेंगे तो डी एन वाई अपॉन नीचे डी एक्स की पावर एन, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा एफ एन एक्स आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं स्टूडेंट, आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग लिखेंगे वाई वन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा होगा, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिखेंगे वाई टू लिखते हैं, ऐसे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू को लिखेंगे वाई थ्री लिखेंगे, डी पावर फोर वाई अपॉन नीचे डी एक्स पावर फोर को लिखेंगे वाई फोर डॉट डॉट, ठीक है, डी एन वाई अपॉन नीचे डी एक्स पावर एन को लिखेंगे हम लोग वाई एन लिखेंगे। इसके बाद देखो स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज चलते हैं, ठीक है, देखो
तो एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट 5L पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5L। तो स्टूडेंट देखो पहला क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, कह रहा देखो फलन लिखा ठीक, उसको मान लेते देखो, माना वाई इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स, ठीक है स्टूडेंट, का एक्स के सापेक्ष द्वितीय अवकलन बताइए, ठीक है, मतलब दो बार अवकलन करना है इसका, देखो द्वितीय अवकलन निकालना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट देखो एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकेंड मानेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड लगा देते हैं, फर्स्ट को तो ऐसे ही रखेंगे, और स्टूडेंट देखो लॉग एक्स का हो जाएगा वन वाई एक्स आ जाएगा, वन वाई एक्स प्लस, इसके बाद देखो स्टूडेंट फिर लॉग एक्स का और करेंगे, ठीक है, लॉग एक्स लिख देंगे इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यू का करेंगे, ठीक है, एक्स क्यू का हो जाएगा हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, तो ये एक्स 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 कैंसिल कर देना, ठीक है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है इसे, ठीक है, अब क्या करना फिर से अगेन कर देते हैं, देखो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि दो बार करना है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, जब इसका हम दोबारा करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कर देते कितना आएगा टू एक्स आ जाएगा प्लस, अब थ्री स्टूडेंट बाहर कर लेते हैं, ठीक है, इसमें फर्स्ट सेकेंड फिर से लगा देते हैं, तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखेंगे इनटू लॉग एक्स का कर देंगे वन अपॉन एक्स प्लस, फिर सेकेंड को ऐसे रखेंगे और एक्स स्क्वायर का कर देंगे टू एक्स आएगा स्टूडेंट, तो एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास टू एक्स प्लस, और यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट थ्री का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो थ्री एक्स आ जाएगा प्लस स्टूडेंट, ठीक है, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, ठीक है, यहाँ पे तो ये टू एक्स बाहर कर लो, और थ्री का मल्टीप्लाई गया थ्री इंटू टू एक्स इंटू लॉग एक्स, तो डी स्क्वायर वाई पॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा स्टूडेंट पाँच एक्स प्लस, ये हो जाएगा देखो स्टूडेंट सिक्स एक्स लॉग एक्स, तो डी स्क्वायर वाई पॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, तो पाँच प्लस सिक्स लॉग एक्स हो जाएगा, सिक्स लॉग एक्स आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसको देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड, सेकंड लिखा देखो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यू, कह रहा है देखो फाइंड कीजिए, कह रहा है डी स्क्वायर वाई पॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, मतलब इसको दो बार अपकलन करना है, चलो उसको डिफ्रेंशिएट कर देते, देखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा देखो डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, सबसे पहले देखो स्टूडेंट इतने पार्ट को हम लोग एक्स मानेंगे, तो बन जाएगा ये टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है देखो वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या लिखा था एक्स क्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यू आएगा, यहाँ पे एक्स क्यू, ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले हमने क्या किया इतने पार्ट को एक्स माना, ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर इन टू और करना डी अपॉन डी एक्स ऑफ जिसको माना था एक्स क्यू का और करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, इसका कर लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे आएगा वन प्लस एक्स की पावर सिक्स आएगा स्टूडेंट, इसका फिर से कर देते देखो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे भाग विधि लगेगी, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, हर का वर्ग कर देंगे, फिर यहाँ पे हर को ऐसे रखना है, हर को ऐसे रखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंश, फिर माइनस अंश को ऐसे रखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स और लिख देंगे हम लोग वन प्लस एक्स की घात सिक्स का और लिख देंगे, तो स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा, नीचे तो आएगा वन प्लस एक्स की पावर सिक्स का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा वन प्लस एक्स की पावर सिक्स
इंटू, यहाँ पे देखो स्टूडेंट थ्री तो बाहर हो जाएगा ठीक है, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस ये आएगा देखो 3x स्क्वायर आएगा ठीक है, और जीरो प्लस इसका स्टूडेंट देखो आएगा वो एक वन का तो जीरो हो जाएगा, और x की पावर 6 का कितना आएगा 6x स्क्वायर आएगा, तो आगे लिख देते हैं हम लोग 6x की पावर 5 आ जाएगा स्टूडेंट ठीक है। x की घात 6 थी तो एक घात पहले आ जाएगी ठीक है, एक घात कम हो जाएगी तो कितना आएगा 6x पावर 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके लिख देते हैं डी स्क्वायर बाई फोन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स पावर 6 ये आ जाएगा 6x माइनस, और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू में आएगा देखो 6x की पावर 5 आ जाएगा, और अपॉन में आएगा देखो 1 प्लस एक्स की पावर 6 आएगा का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई पोन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दो 6x 6x की पावर 7 माइनस ये आएगा स्टूडेंट देखो 18x की पावर 7 ठीक है, अपॉन में आ जाएगा देखो 1 प्लस एक्स पावर 6 का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई पोन नीचे आएगा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस ये स्टूडेंट देखो यहाँ पे घटा लेते हैं ठीक है, तो बचेगा 12x की पावर 7 अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 6 का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई पोन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा 6x कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस 2x पावर बचेंगी 6 और अपॉन में आएगा देखो 1 प्लस एक्स पावर 6 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया ठीक है स्टूडेंट फाइनल आंसर आपका। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा देखो y इक्वल टू e की पावर ए एक्स प्लस बी, तो स्टूडेंट देखो इसका कह रहा है दो बार अपलन करना ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई पॉन डी एक्स आ जाएगा, तो स्टूडेंट देखो e की पावर ए एक्स प्लस बी का ठीक है, इतने पार्ट को पहले x मानना, तो ये हो जाएगा तो इसको हम लिख देते हैं स्टूडेंट ठीक है, d अपॉन dx ऑफ e की पावर ax प्लस बी, तो dy वाई अपॉन डी एक्स आएगा देखो हमारे पास, तो सबसे पहले इतने पार्ट को x मानेंगे ठीक है, तो बन जाएगा e की पावर x, और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x होता है, तो ये आ जाएगा देखो dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा e की पावर ax प्लस बी इंटू, स्टूडेंट देखो यहाँ पे a इंटू 1 प्लस इसका तो जीरो हो जाएगा, ए बार करना एक्स का 1 हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा, तो डी वाई पॉन डी एक्स आ गया हमारे पास ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी आ गया, फिर से अगेन कर देते देखो अगेन डिफरेंशिएशन ठीक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई पॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा स्टूडेंट देखो, तो यहाँ से ए तो बार कर लेंगे ठीक है a इंटू ठीक है, अब करेंगे हम लोग d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर ए एक्स प्लस बी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा a इंटू, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है इतने पार्ट को फिर से x मानेंगे, तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x होता है इंटू, फिर d अपॉन डी एक्स करना है हमें ए एक्स प्लस बी, तो इसे इस लिख देते स्टूडेंट थोड़ा, अब इसका और कर लेते तो डी स्क्वायर वाई पोन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा ए इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू, तो स्टूडेंट देखो यहाँ से ए बार हो जाएगा एक्स का तो 1 हो जाएगा प्लस 0, तो ये आएगा देखो डी स्क्वायर वाई पोन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए और आ जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई पोन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वाई इक्वल टू एक्स प्लस कॉट एक्स, और स्टूडेंट देखो हमें सिद्ध करना है ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई पॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, इसका तो 1 एक्स का तो 1 हो जाएगा ठीक है, कॉट का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है स्टूडेंट, इसको देखो स्टूडेंट हमें सिद्ध करना है ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग देखो अब लिखेंगे हम इसको डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स,
तो स्टूडेंट देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं देखो आइडेंटिटी, ठीक है, सर समका से 1 + cot² x लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये आ जाएगा dy/(1 - - cot²x), ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा -k cot²x। स्टूडेंट देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, ठीक है, तो d²/dx² आ जाएगा माइनस का, ठीक है, और d/dx(cot²x), तो d²/dx² आ जाएगा -k d/dx, ये हो जाएगा cot x² लिख देते, तो d²/dx² आ जाएगा माइनस का। अब देखो स्टूडेंट इसका कैसे करेंगे, cot x² लिखा, ठीक है, इतने पार्ट को पहले x मानना, ठीक है, तो बन जाएगा x², तो x² का होता है 2 cot x, ठीक है, इंटू 2 cot x हो जाएगा, फिर हम लोग d/dx और करेंगे किसका, cot x, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो ये आएगा d²/dx² आ जाएगा हमारे पास -k 2 cot x इंटू, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे d/dx(cot x) लिखा, cot x का होता है -cosec²x, तो ये आ जाएगा देखो d²/dx² इक्वल टू -k 2 cot x, माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, अपॉन में cosec²x को नीचे लिख देते हैं, तो ये लिख देंगे sin²x, तो sin²x का मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर आए, ठीक है, तो d²/dx² ये आएगा 2 cot x आएगा स्टूडेंट, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इधर, तो अब क्या करेंगे, देखो sin²x d²/dx² यहाँ पे 2, ठीक है, अब देखो स्टूडेंट cot x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो cot x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से cot x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, cot x आएगा हमारे पास y - x आएगा, तो y - x रख देते हैं यहाँ पे y - x, ठीक है, स्टार्टिंग से निकाल लाए, तो ये जाएगा sin²x d²/dx² इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा प्लस के सॉरी माइनस का 2x, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अब इनको शिफ्ट कर दो इधर, ठीक है, तो ये आ जाएगा sin²x d²/dx² और स्टूडेंट ये आ जाएगा देखो -2x + 2y + 2x = 0, तो ये प्रूव आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें प्रूव करना था। इसका देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर लिखा है, देखो y = log sin x लिखा है, इसका कह रहा है 3 बार अपकलन करना है, ठीक है, इसका तीन अपकलन निकालना है, तो चलो देखो डिफ्रेंशिएट कर देते, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा d/dx = log sin x का होता है, देखो स्टूडेंट, ठीक है, सबसे पहले देखो हम log sin x का कैसे करेंगे, इतने पार्ट को x मानेंगे, तो बन जाएगा log x का होता है 1/x इंटू फिर d/dx, और जिसको माना था उसको और करेंगे sin x, तो ये आएगा देखो d/dx = आ जाएगा तो 1/sin x, और स्टूडेंट देखो sin x का होता है cos x, ठीक है स्टूडेंट, तो ये आएगा देखो d/dx आ जाएगा हमारे पास cot x आ जाएगा टोटल, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखो cos आया था, नीचे sin आया था, अब इसका अगेन कर देते, देखो अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d²/dx² आ जाएगा, cot x का होता है -cosec²x होता है स्टूडेंट, ठीक है, फिर से अगेन कर देते, देखो एक बार और करना है, अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट देखो ये आएगा dq/dx³, तो ये आएगा देखो माइनस का, ठीक है, अब देखो cos²x का कैसे करेंगे, सॉरी cosec²x का, तो cosec²x को कैसे करें, पहले सबसे पहले घात पहले कर दो और एक घात कम कर देना, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगी 1 और x इंटू, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे cosec x का और करेंगे, ठीक है, d/dx(cosec x), तो ये आ जाएगा देखो dq/dx³ = आ जाएगा माइनस का
टू कॉसेक एक्स। अब देखो स्टूडेंट, देखो कॉसेक एक्स का और कर देते, ठीक है। कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो डी क्यूब आई अपॉन डी एक्स क्यू आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, फाइनल। इसके बाद देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव नंबर लिखा, देखो वाई इक्वल टू ए कॉस एन एक्स और फिर लिखा बी साइन एन एक्स। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। देखो तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करके हमें सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी वाई पॉन डी एक्स आ जाएगा, ए को तो बाहर कर देंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे साइन एन एक्स है, ठीक है। साइन एन एक्स का कैसे करेंगे, सबसे पहले तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास कॉस एन एक्स आ जाएगा, और फिर इंटू और करेंगे, ठीक है, एन एक्स का और करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एन एक्स। और फिर इसके बाद देखो प्लस स्टूडेंट, देखो फिर ये आएगा बी इंटू। अब देखो यहाँ पे साइन एन एक्स लिखा, ठीक है, तो साइन एन एक्स का हो जाएगा कॉस एन एक्स हो जाएगा, फिर इंटू करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एन एक्स का करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लेते, देखो कितना आएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस का ए साइन एन एक्स इंटू। स्टूडेंट देखो यहाँ पे एन एक्स लिखा, ठीक है, तो एन बाहर कर लेंगे, तो एन तो बाहर कर लिया हमने, ठीक है, इंटू। फिर बचेगा हमारे पास देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का होता है वन, तो वन लिख दिया हमने। और फिर प्लस का देखो बी कॉस एन एक्स इंटू, ठीक है। और यहाँ पे देखो एन बाहर कर लेंगे फिर से एक्स का, तो वन हो जाएगा, एक्स का एक्स के सापेक्ष कितना होता है वन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो टोटल माइनस का ए एन और साइन एन एक्स लिख देते, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे बी एन इंटू कॉस एन एक्स लिख देते, फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते, देखो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा देखो डी स्क्वायर बाई पॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, ये माइनस का जो ए एन लिखा है, ठीक है, ये अचर है हमारे पास, इसको तो बाहर कर देंगे, ठीक है, इंटू। और देखो साइन का कितना होगा, साइन एन एक्स का हो जाएगा कॉस एन एक्स हो जाएगा एन एक्स, और इंटू देखो एन एक्स का और करेंगे, ठीक है, एन एक्स का करेंगे तो कितना आएगा एन आ जाएगा। फिर प्लस ऐसे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बी एन को बाहर कर लेंगे, इंटू यहाँ पे कॉस एन एक्स का आएगा माइनस का साइन एन एक्स, ठीक है, फिर इंटू। अब देखो स्टूडेंट, एन एक्स का और करेंगे, ठीक है, एन एक्स, ये एन एक्स का करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास एन आएगा। इसको और सॉल्व कर लो, देखो ये आ जाएगा हमारे पास, तो डी स्क्वायर बाई फोन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से एन बार कर लो, ठीक है, एन यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करना, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल होता है ये बार आ जाएगा, तो माइनस का आएगा देखो ए एन स्क्वायर साइन, सॉरी यहाँ पे साइन है कि कॉस आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस एन एक्स प्लस। इसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एन बार कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये स्टूडेंट देखो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, टोटल माइनस का आएगा वी एन स्क्वायर साइन एन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई पॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं एन स्क्वायर, तो ए कॉस एन एक्स बी साइन एन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई फोन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास माइनस का एन स्क्वायर। और स्टूडेंट देखो ये बन जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्टार्टिंग में लिखा था ये वाई, ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई। अब इसको उधर शिफ्ट कर लेते, तो डी स्क्वायर वाई फोन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जीरो, तो ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये हमें प्रूव करना था। इसके बाद देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है, सेवन का फर्स्ट पार्ट, देखो सेवन का फर्स्ट पार्ट लिखा है वाई इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स लिखा, ठीक है स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना है, ठीक है, तो हम प्रूफ करेंगे।
तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा ए इंटू, स्टूडेंट देखो साइन एक्स का हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, ठीक है, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा ए कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का आएगा वन अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट देखो ये वाला जो एक्स है इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस लॉग एक्स। अब स्टूडेंट देखो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से कर देते थे वो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा दे रहे, ठीक है, तो फिर देखो इसको जब दोबारा करेंगे, ठीक है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड, तो देखो फॉर्मूला लगा देते हैं, फर्स्ट को ऐसे रखा सेकंड का कर देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का जब दोबारा करेंगे तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो फर्स्ट को ऐसे रखना है, ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, अब देखो स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट देखो सेकंड को ऐसे रखेंगे, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का करेंगे तो वो कितना आएगा वन आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू आएगा देखो स्टूडेंट हमारे पास, अब इधर आएगा देखो ए इंटू, ठीक है, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है कॉस लॉग एक्स लिखा है, ठीक है, तो कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, तो साइन लिखेंगे लॉग एक्स और फिर इंटू में और लिखेंगे, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स और लिख देंगे, ठीक है, तो ये आएगा एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये आएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का ए साइन लॉग एक्स और इंटू में आएगा देखो स्टूडेंट देखो ये वन अपॉन एक्स और आएगा, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे लॉग एक्स का डिफरेंस कितना आएगा वन अपॉन एक्स, तो इंटू में लिखेंगे वन अपॉन एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, ठीक है, पूरी इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का ए साइन लॉग एक्स। अब देखो स्टूडेंट ये वाई बन जाएगा, ठीक है, देखो स्टार्टिंग में देखना क्वेश्चन देखो क्या लिखा था, ये क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, ये वाई बन गया हमारे पास, तो इसकी वाई रख देते वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स माइनस का वाई बन जाएगा, ठीक है, वाई को उधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, स्टूडेंट यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है, ये प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है, प्रूव दैट। इसका देखो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट और है, सेवेंथ का सेकंड पार्ट लिखा है वाई इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस के बी साइन लॉग एक्स, तो स्टूडेंट देखो इसमें सिद्ध करना है, ठीक है, तो हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो स्टूडेंट देखो बाई का हो जाएगा देखो डी वाई पॉन डी एक्स डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम लिखेंगे देखो ए बार कर लेंगे, ठीक है, ए बार कर लेंगे इंटू, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे कॉस लॉग एक्स है, ठीक है, तो कॉस लॉग एक्स का कितना आएगा, कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन लॉग एक्स हो जाएगा, वो भी स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस हो आएगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट देखो यहाँ पे ए तो बार ही कर लेंगे, ठीक है, ए बार कर लेंगे और जो लिखा था कॉस लॉग एक्स, ठीक है, कॉस का होता है माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन लॉग एक्स हो जाएगा और इंटू और करेंगे देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और करेंगे, ठीक है, प्लस इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पे देखो बी बार कर लेंगे और साइन का होता है कॉस लॉग एक्स फिर इंटू करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ठीक है स्टूडेंट ये आएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस का ए साइन लॉग एक्स
और इनटू लॉग एक्स का आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस स्टूडेंट देखो बी कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स। आपको क्या करना है स्टूडेंट, पूरी इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब एक्स से गुणा गुणा करने पर गुणा कर देते, ठीक है, पूरी इक्वेशन को हम लोग। तो ये आएगा देखो एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स आएगा माइनस का ए साइन लॉग एक्स प्लस फिर आएगा बी कॉस लॉग एक्स आएगा, फिर से कर देते हैं अगेन डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, अगेन डिफ्रेंसिएशन। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक को फर्स्ट मानेंगे एक को क्या मानेंगे सेकेंड, तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, फिर स्टूडेंट देखो सेकेंड को ऐसे रखना है और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा और फर्स्ट हमारे पास था एक्स, टी एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा वन आ जाएगा इक्वल टू। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे कर देते हैं तो माइनस का आएगा, देखो माइनस का आएगा ए स्टूडेंट देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे साइन लॉग एक्स है, ठीक है, तो साइन क्या करेंगे कितना आएगा कॉस लॉग एक्स आएगा, ठीक है, इंटू फिर लॉग एक्स का और करेंगे वन अपॉन एक्स। हम स्टूडेंट देखो डायरेक्ट लिखने दे रहे, ठीक है, फिर स्टूडेंट देखो अगला ये आएगा बी कॉस लॉग एक्स लिखा, ठीक है, यहाँ पे कॉस है तो कॉस का स्टूडेंट क्या है तो माइनस साइन, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे प्लस था, ठीक है, तो माइनस आएगा आपकी बार माइनस का बी साइन ये आएगा लॉग एक्स इंटू और स्टूडेंट देखो लॉग एक्स कवर करेंगे, ठीक है, ये जो लॉग एक्स है लॉग एक्स का आएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स आएगा। तो इसको थोड़ा स्टूडेंट देखो सही करके लिख लेते, ठीक है, तो ये आएगा देखो एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू स्टूडेंट देखो कॉमन आ रहा होगा यहाँ पे वन बाई एक्स दोनों से कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं और माइनस और कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस और आ रहा तो ए कॉस लॉग एक्स प्लस के बी साइन लॉग एक्स ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है देखो स्टूडेंट ये एक्स का गुणा इधर कर देंगे, ठीक है, पूरे में गुणा करना है, ठीक है, ऐसे और ये तुम्हारा स्टूडेंट देखो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से देखो ध्यान से ये वाई बन जाएगा क्योंकि देखो ये बाई के इक्वल आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये बाई बन गया हमारे पास, तो एक्स का गुणा इधर कर देते, ठीक है स्टूडेंट देखो तो एक्स एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स और स्टूडेंट देखो क्या बचा था सही है, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते माइनस का ये हो जाएगा वाई आ जाएगा, एक्स का अंदर गुणा कर दो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स डी वाई डी एक्स और प्लस का स्टूडेंट देखो वाई इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट, प्रूव दैट। और स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन को इन्होंने एग्जाम में एक बुक में ऐसे लिखा, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू इसको हम लोग लिखेंगे वाई टू, क्या लिखेंगे वाई टू प्लस एक्स इंटू ये एक बार अपलन किया गया, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो तो इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रूफ दैट, ठीक है, बोले इसको हम दो बार अपलन करते तो उसको लिखते हैं वाई टू, एक बार अपलन करते तो क्या लिखते हैं वाई वन लिखते हैं। इसका देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एट लिखा देखो हमारे पास वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, देखो प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे इतने पार्ट को एक्स मानेंगे, ठीक है, तो बनेगा ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कितना होता है टू एक्स आता है तो टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, मतलब घात है पहले करना है घात कम करना है फिर अंदर वाले को और करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये आएगा डी वाई पॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास टू साइन इनवर्स एक्स, स्टूडेंट देखो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन बटे अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसमें सही से लिख देते, ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स था
sin inverse x। अब क्या करना स्टूडेंट, देखो यहाँ पे इन क्वेश्चनों में स्टूडेंट देखो याद रखना है ठीक, कभी भी भाग विधि नहीं लगाएंगे ठीक। अब जो बटे मारा रही इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो 1 - x² dy/dx = आएगा 2 sin inverse x आ जाएगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट अगेन कर देते डिफ्रेंशिएशन, फिर से एक बार करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखेंगे और सेकंड का डिफरेंस करेंगे dy/dx² सही से लिख देते d²y/dx² ठीक है प्लस। इसके बाद देखो स्टूडेंट ठीक है, फिर फर्स्ट सेकंड को ऐसे रखेंगे इनटू, अब देखो स्टूडेंट देखो फर्स्ट का करना ठीक है, इसका डिफरेंसिएशन करना है, तो स्टूडेंट को इसको थोड़ा सही से लिख देते ठीक है, इसको स्टूडेंट यहाँ पे तो स्टूडेंट को इसका हम लोग फिर से करेंगे ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम लोग लिख देंगे d/dx अंडर रूट में 1 - x² और इक्वल टू आएगा देखो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 2 और फिर साइन इनवर्स एक्स कर देते ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√ में 1 - x² आएगा। तो स्टूडेंट देखो और इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो 1 - x² d²y/dx², तो ये आएगा देखो dy/dx। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे अंडर रूट में लिखा 1 - x² ठीक है, तो इतने पार्ट को हम लोग एक्स मानेंगे तो बन जाएगा √x और √x का होता है 1/√x और इनटू और करना देखो स्टूडेंट d/dx 1 - x² इक्वल टू देखो ये आएगा 2/√ में 1 - x² आएगा ठीक है स्टूडेंट। और सॉल्व करते हैं इसको देखो, तो अंडर रूट में आएगा देखो 1 - x² d²y/dx² प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा देखो स्टूडेंट ये dy/dx ये आएगा देखो 0 - 2x/√ 1 - x² इक्वल टू आएगा देखो 2/√ 1 - x² ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल कर देना। अब वो क्या करेंगे स्टूडेंट 1 - x² से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दो ठीक है, गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे तो देखो रूट खत्म हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 - x² आएगा और ये आएगा d²y/dx² प्लस ये आएगा। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है, जो और में लिखा है बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट माइनस का आएगा ठीक है, ये माइनस तो x dy/dx आएगा इक्वल टू हो जाएगा देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा स्टूडेंट ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये एक्स है तो ये आंसर प्रूव आ गया ठीक है, प्रूव दे ठीक है, ये प्रूव करना था हमें एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन में ठीक है, ये प्रूव करना था अगे स्टूडेंट ठीक। और 2 स्टूडेंट देखो इन्होंने क्या किया है, 2 को शिफ्ट कर दिया था ठीक है, तो 2 को हम शिफ्ट कर देते देखो, तो 1 - x² d²y/dx² माइनस के x dy/dx -2 = 0 ठीक है, ये एक्सरसाइज में लिखा है ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये प्रूव करना था हमको, प्रूव दैट